वहां बरसानी में बैठकर तुम्हारा स्मरण किया करती थी, और तुम्हारे कक्ष को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने मेरा कभी स्मरण ही किया हो। एक ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरा तुम्हें स्मरण भी आया हो। मैंने भी तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। कैसे स्मरण किया बताओ? मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। प्रेम ग्रंथ? मुझे स्मरण करके? हाँ, तुम्हें स्मरण करके। सत्य कह रहे हो या मुझे मेरा क्रोध भुलाने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं है तो दिखा देता, वो प्रेम ग्रंथ इसी कक्ष में है। कहाँ है हमारा प्रेम ग्रंथ बताओ मुझे। यहाँ। क्या रसोई में क्या कर रही हो? मुझे आज भी वो दिवस भली भांति स्मरण है जब आपके यहाँ से पत्र आया था कान्हा के जन्म पर। बहुत ही शुभ समाचार है, आपके मित्र नंद के यहाँ लल्ला जन्मा है। कान्हा बालपन में यही माखन चुराया करता होगा, है ना जीजी? हाँ, और फिर मैं उसे यही बांध दिया करती थी दंडित करने हेतु। कान्हा आज भी उतना ही नटखट है कीर्तिदा, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। उसे जानने के लिए उसके कहे शब्दों को नहीं अपितु उसका मन पढ़ना पड़ता है। जी जी, फिर तो आप अवश्य ही जानती होंगी कि आपके कान्हा को कैसी कन्या चाहिए। मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरे कान्हा को कैसी कन्या चाहिए, अब बस देखना ये है कि वो कन्या कहाँ मिलेगी। जी जी, ये तो निश्चित है कि वो कन्या अति भाग्यशाली होगी जिसे आपके कान्हा जैसा अति प्रेम करने वाला साथी मिलेगा। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी कि दोनों शीघ्र ही मिल जाए। ये भी नहीं, ये वो भी नहीं। तुम पुनः उपहास करो मेरे साथ। नहीं राधे, मैं क्यों उपहास करूंगा, ये देखो। ये है, यही है प्रेम ग्रंथ। मैंने सोचा कि ऋषिगर्ग को यही भेंट के रूप में दे देता हूँ, उनसे कहता हूँ कि इसे ही बना लीजिए अपने घर की संहिता। फिर सोचा कि नहीं नहीं है, उन्हें अपना कर्म करने देते हैं। तुमने इतनी विशाल पुस्तक लिखी मेरे लिए? पुस्तक नहीं, ग्रंथ। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अवश्य देख सकती हूँ, तुम्हें ये तो स्मरण करके लिखा है। ये क्या, इसमें तो केवल एक रेखा है। आगे देखो, भी केवल एक रेखा ही खींची है। तो आगे देखो ना। क्या है ये सब? अब फिर से क्रोधित मत होना। मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं दुखी हूं। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे इतनी अपेक्षा रखी और तुमने क्या किया, ये किया है, ये रेखा बनाई। नष्ट हो जाए राधे। राधे नष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो, बड़े प्रेम से बनाया है मैंने। तुम्हें इन पत्रों की चिंता है किंतु मेरी भावनाओं की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें क्या कहते थे तुम प्रेम के विषय में कि जब करता है प्रेम प्रेम पाने के लिए, हमने किया प्रेम प्रेम समझाने के लिए। ये समझाओगे तुम, ये प्रेम है तुम्हारा राधा के प्रति। जाओ, नहीं चाहिए ऐसा प्रेम मुझे। राधे एक बार पूर्ण रूप से ग्रंथ को देख तो लो। कुछ देखना शेष नहीं रह गया। राधे ये देख, राधे
कक्ष में मुझसे अधिक तुम्हारा वास रहा है राधे। आज ये कक्ष भी प्रसन्न है, अंततः इसे उसकी राधा जो मिल गई। सच में कान्हा के बालपन की कथाएं सुनकर मन ही नहीं भर रहा। एक और किस्सा सुनाइए ना जीजी। एक बार मेरा कान्हा भोजन करने के पश्चात बाहर खेलने चला गया। मैंने सोचा संध्या होने तक सदैव की भांति लौट आएगा बलराम के साथ। संध्या हुई, बलराम भी लौट आया, परंतु कान्हा का कुछ अता पता नहीं। मैंने आर्य से कहा कि कान्हा घर नहीं लौटा है, और फिर हम दोनों कान्हा को ढूंढने निकल पड़े, और हमारे साथ साथ पूरा गांव भी लग गया खाना को ढूंढने में। संध्या से रात्रि हो गई, परंतु कान्हा का कहीं कुछ पता नहीं चला। मेरी तो सांस ही अटक गई थी ये सोच सोच के कि न जाने मेरा लल्ला कहाँ होगा। मैं रोते हुए आर्य के साथ घर लौटी, और जानती हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि कान्हा माखन की मटकी के अंदर घुसकर माखन खा रहा था। ये तो वही बात हो गई जीजी कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। हाँ। अरे राधा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था? वो मुझे भूख लग गई थी इसलिए यहाँ चली आई। भूख लगी है तो कुछ खाओगी या यूं ही लौट जाओगी? नहीं नहीं माँ, अभी कैसे खा सकती हूँ? जब सब खाएंगे तो सबके साथ खा लूंगी। अरे अरे, तुम सदैव सबके मुख पर मुस्कान लेकर आते हो कृष्ण, किंतु अब देखना मैं तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए क्या करती हूँ। जिस कक्ष में वर्षों मेरी प्रतीक्षा करके तुमने मेरे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा, वही कक्ष तुमने मुझे रहने के लिए दे दी और स्वयं यहाँ चले आए। किंतु अब देखना तुम्हारी राधा इस कक्ष को ऐसा सज्ज कर देगी कि तुम्हारे मुख पर भी वही प्रसन्नता आ जाएगी जो तुम मेरे मुख पर ले आए थे। भोर में सूर्य की किरणों से तुम्हारी मीठी नींद नहीं टूटेगी, और यदि रात्रि में भूख लग गई तो मन भर के माखन खा लेना, और यदि तुम्हारा मन करे मेरे लिए एक और ग्रंथ लिखने का तो उसके लिए भी समान सज्ज है।